सीताराम दोस्तों, संविधान निर्माण एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के विषय में पढ़ेंगे। संविधान किसे कहते हैं, क्या संविधान है, किसे कहते हैं? बताइए, एक ऐसे सभी बुनियादी नियमों और कानूनों की किताब। उस किताब में क्या हो, जिसमें बताया जाए सरकार चलाई कैसे जाए, वही संविधान है। और उस किताब में जो नियम लिखे गए उसका वो बनना है, सरकार को भी करना है और नागरिक को भी करना है, वही चीज़ क्या कहलाती है संविधान। रंग भेद की नीति से आप क्या समझते हैं? जो रंग भेद की नीति है वो नस्ली भेदभाव पर एक आधारित एक व्यवस्था है, उसे रंग भेद की नीति कहते हैं। यही विशिष्ट तौर पर दक्षिण अफ्रीका में 1948 से 1994 के बीच तक चलाई गई। संविधान संशोधन से आप क्या समझते हैं? समय समय पर संविधान में परिवर्तन लाया जाए, चेंजमेंट किया जाए, अच्छी चीज़ों को अपनाया जाए, वही संविधान संशोधन है। पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता आप क्या समझते हैं? यह एक ऐसी विचारधारा है पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता, जिसके अंतर्गत धर्म या पंथ के आधार पर कोई राज्य किसी भी अपने नागरिक को विशेष अधिकार नहीं देता, वही पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष कहलाते हैं। भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य कैसे? सही बात है, भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी धर्म, पंथ, जाति, जन समूह को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। सभी धर्म में लोगों, जातियों को समान अधिकार प्राप्त है। सभी को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता और समानता प्रदान की गई है। कोई व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी समय पंथ बदलकर दूसरे में जा सकता है। कोई भी पंथ अपना धर्म स्थल, पूजा स्थल स्वतंत्र रूप से बना सकता है। उसे किसी की भी उपासना करने की स्वतंत्रता है। सरकारी नौकरी योग्यता के अनुसार दी जाती है, उसमें धर्म या पंथ का कोई भेदभाव नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से चार मुख्य आदेश दिए गए हैं, आदर्श दिए गए हैं? जिस प्रकार हर पुस्तक के पहले भूमिका लिखी होती है, उसी प्रकार हर संविधान में शुरू होने से पहले प्रस्तावना होता है। इससे पता चलता है कि संविधान निर्माता क्या चाहते हैं, उनको द्वारा बनाए गए संविधान का उद्देश्य क्या है, क्या है। भारत को एक सार्वभौमिक या प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना, यहाँ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय स्थापित करना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करना, प्रतिष्ठा, अवसर की क्षमता प्रदान करना, ये प्रस्तावना लिखा है। संविधान की आवश्यकता क्यों है? कि सरकार के विभिन्न अंगों में संविधान के कारण मतभेद नहीं होते, यदि मतभेद होते भी हैं तो उसे हम संविधान के अनुसार सॉल्व कर देते हैं। सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकती और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा संविधान के द्वारा ही होती है। भारतीय संविधान एक जीवित आलेख है, जीवित दस्तावेज है, कैसे बताइए। भारतीय संविधान एक जीवित दस्तावेज है क्योंकि इसमें समय की गति को देखते हुए उसके कुछ भागों को बदलने की प्रक्रिया है। हम जब चाहें संविधान को बदल सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, यही कारण है कि यह एक जीवंत दस्तावेज है। हम जब चाहें संविधान को बदल सकते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संविधान संशोधन। तीन प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए जिसमें संविधान में संशोधन होता है। संसद में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पास कर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद संविधान संशोधन कर देते हैं। मतदान करने वाले दो तिहाई सदस्यों का बहुमत प्राप्त होना चाहिए और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से संशोधन किया जाना चाहिए। अब मतदान करने वाले दो तिहाई सदस्यों का बहुमत के अलावा कुल राज्यों की 50% विधायकों का भी बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। संघीय सरकार से क्या समझते हैं आप? भारतीय संविधान में शासन चलाने के लिए दो प्रकार की सरकारों की व्यवस्था, एक केंद्रीय, एक राज्य, जो मिलकर भारत संघ का निर्माण करती हैं, और इसी व्यवस्था को संघीय सरकार कहते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत से क्या समझते हैं? वह सिद्धांत जो केंद्र और राज्य सरकारों के लिए पथ प्रदर्शन का कार्य करे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहलाते हैं। संविधान सभा क्या है? जनप्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान लिखने का काम करती है, संविधान सभा कहलाती है। संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका से आप क्या समझते हैं?
संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की छोटी सी उद्देशिकाओं के साथ होती है। इसमें संविधान के उद्देश्य लिखे होते हैं, इसे ही संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, मत भूलिएगा। संविधान निर्माण में कितने दिन लगे? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान लिखने वाले सभा में कितने सदस्य थे? 299 सदस्य, 1 कम 300। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान सभा को मिनी भारत क्यों कहा जाता है? इस संविधान सभा में भारत के सभी धर्मों सभी समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व दिया गया था, यही कारण है कि संविधान सभा को लघु भारत कहा जाता है। दोस्तों ये टॉपिक खत्म होता है, हमारे साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।